नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाली आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज के दिन आप सभी को किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली है और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशिफल आपको समय समय पर मिल सके। आप व्यवसाय के निजी कारणों से यात्रा भी कर सकते हैं, हालांकि इस समय आपके लिए यात्रा करना मुश्किल होंगी लेकिन आप कर पाएंगे, इससे आपको लाभ भी होंगी। जो लोग पहले आपकी उदारता को नहीं समझते थे अब उन्हें भी और इसकी कीमत अच्छी समझ आएंगे और आज और आप ध्यान से भी उन परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको भी अपने जीवन शैली में भी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी अपने भोजन को में करने में है। ताज़ा हवा सांस लेने के लिए और सुबह शाम भी सैर पर भी जाएं और इससे आपके भी और शरीर में खून के भी और संचार बढ़ेंगे और हार्ट स्ट्रोक्स भी और आशंकाएं काफ़ी हद तक भी कम हो जाएंगे और आप अचानक अपने भीतर काफ़ी आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपको अपने रोमांटिक संबंध के मामले में भी अपनी अलग पहचान और समझने की जरूरत भी है। आपको यह समझ आने वाला लगेगा कि मर्यादित सीमाओं के बाद सब में से संबंध में और मर्यादा का सम्मान आते हैं। आप पहली बार अपने आप ये सीमाएं लागू करने के लिए सोचेंगे, इस बारे में आपकी सोच काफ़ी स्पष्ट है। आपको अपने रिश्ते में क्या नहीं चाहिए और आपने और हाल ही में जो भी कड़ी मेहनत की है उसकी हर दिशा का भी सहारा भी होंगे और आप एक बोनस का या एक लंबे समय से वेतन वृद्धि के चाह में वो भी पूरी हो सकती है। आपको एक अच्छे वित्तीय अवसर का भी पेशकश भी की जा सकती है जिसकी अपेक्षा आपने की नहीं की थी। हालांकि ये बहुत ही बड़ा नहीं है परंतु ये असंतुष्टि की भी एक अच्छी भावना के रूप में भी है, आप पर भी आपके लिए भी हो जाने की संभावना रहने वाली है और सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति और कमजोरी का भी सही दिशा में प्रयोग करें। अपने व्यापार में बिक्री बढ़ाने के लिए भी नई उत्पाद नीतियां योजना बनाएं। नए व्यावसायिक और निजी कार्य की भी शुरुआत भी आज भी हो सकी जा सकती है। अहंकार से बचें क्योंकि इससे आप जीवन में और अनेक और रह आपके लिए अकेले रह जाएंगे और आज अपने प्रेम संबंधों को लेकर उत्तेजनित और प्रशंसा भी और आपके लिए भी उम्मीद से समय सीमा को चिंता भी और आपको परेशान भी कर रही है, लेकिन ऐसे में दूसरों से मदद लेने के पीछे ना हटे। समस्याएं आज हल होंगी जिससे आपको राहत भी और मिलने वाली है। अगर आप बदलाव भी और अपनी लहरों के भी पर सवारी नहीं करती हैं तो आप अन्य लोगों से पीछे रह जाएंगे और आज इस समय और अपनी सूरत व्यक्तित्व के रूप में भी बदलाव करना चाहते हैं और नई कैश और सज्जा के भी और बारे में सोच रहे हैं। इससे आप किसी विशेष को लुभाना चाहते हैं जो आपके दिल के बेहद ही करीब हैं। बिंदास अपने प्यार का इजहार करें क्योंकि यह समय खुशी का उत्सव का भी है। साथ का यौन संबंधों की उत्तेजना जिंदा दिल जीवन की स्पाइसी बनाती है और इससे और आप भी और खुद को अपने साथी के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम भी बन सकते हैं और यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप पूरे मन से भी उसे और प्यार करेंगे और कुछ बुरा भी होगा तो उसे भी रहन सहन भी आप लेंगे और आज के दिन अनुभव से अपना मार्गदर्शन बनने दें क्योंकि कोई नई खरीद या अनुबंध भी आपको परेशान भी कर सकते हैं। करीबी साथी के साथ में समय बिताना आपको प्रसन्न करेंगे। एक बैठक आपके रैंक की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हैं। कोई मौका आपका इंतजार भी कर रहे हैं और सब अब समय है कि सही निर्णय लेने का। आपके प्रेम जीवन या संबंधों के लिए भी उत्तेजन आपके लिए भी चीज़ों को भी रोशन भी कर देंगे। आप में से कुछ लोग दबाव उम्मीदों के कारण भी तनाव की भी महसूस हो सकते हैं, इसके लिए दूसरों की मदद लें और आराम करें। तनाव से बचो और इस तरह से भी आप अपने आप को जीवन के सुखों को शामिल भी कर सकने की संभावनाएं रहने वाली हैं।